नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं रेस्टोरेंट खाना खाने जाती हूँ, वहाँ का दाल तड़का मुझे बहुत पसंद होता है और मुझे बहुत प्रश्न पड़ता है कि ये दाल बनती कैसे होगी। तो इस रेस्टोरेंट के चक्कर में मैं खोजती रहती थी और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और मैंने जो दाल बनाई बहुत अच्छी दाल बना ली। आज वही दाल मैं आपके लिए लेके आई हूँ और मैंने इसमें बरिस्ता प्याज, फ्राइड ओनियन का प्रयोग किया है। इससे इसका स्वाद इतना निखर के आया है कि बता नहीं सकती। तो चले, दाल तड़का बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब हम देखेंगे। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम दाल प्रेशर कुक कर ली है। सिर्फ दाल है ये, उसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला। ज़रूरत के हिसाब से तेल लेंगे। एक मध्यम आकार का टमाटर बारीक काट के लिया है। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, ये बरिस्ता प्याज है, मतलब प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे बरिस्ता कहते हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी लेंगे। मसालों में लिया है मैंने 1/4 चम्मच से भी कम जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी ही, 10 से 15 कड़ी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 से 3 गोल मिर्च, ये तड़के के लिए है। अब हम दाल तड़का बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। कढ़ाई के गरम होते ही हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। तेल के गरम होते ही डालेंगे लहसुन। तेज आंच पर लहसुन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है सुनहरे रंग तक। लहसुन का कलर बदलने लगा है, सुनहरा होने लगा है। अब डालेंगे प्याज। मैंने आंच को तेज कर दिया है। 1 मिनट तक तेज आंच पर प्याज को भूनना है। प्याज भी हमारा सुनहरा होने लगा है। अब डालेंगे टमाटर। तेज आंच पर ही टमाटर को 1 मिनट तक पकाऊंगी। एक मिनट बाद मैं अभी से ढक्कन देके धीमे आंच पर टमाटर गलने तक पकाऊंगी। देखते हैं टमाटर हमारा कितना गला है। टमाटर गलना शुरू हो चुका है। अब डालेंगे हम मसाले। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच से भी कम जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को हमें कुछ सेकंड तक भूनना है तेज आंच पर। मसाले जले नहीं, इसलिए मैं कुछ बूंदे पानी दे रही हूँ। हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम डालेंगे दाल जो मैंने प्रेशर कुक करके रखी थी। मैंने इसे फेटा नहीं है दाल को, मुझे थोड़ी दरदरी दाल पसंद है। आप चाहे तो इसे फेंट सकते हैं। अच्छे से मिला लें। मैंने आंच को तेज कर दी है। जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे हम। आपको जितनी गाढ़ी चाहिए दाल, जितनी पतली चाहिए उस हिसाब से। मैं थोड़ा गाढ़ी दाल पसंद करती हूँ। देंगे स्वाद अनुसार नमक। ढक्कन देके दाल को उबाल आने तक हम पकाएंगे। दाल को उबाल आ चुका है। मैंने दाल को 2 मिनट तक उबाला है तेज आंच पर। अब हम दाल को तड़का देंगे।
तड़के के लिए मैंने तड़का पैन रख दिया है गरम करने के लिए। पैन के गरम होते ही 3 चम्मच में तेल दूंगी। डालेंगे जीरा, हींग, गोल मिर्च और एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ऑप्शनल है, एक रंग के लिए मैं डाल रही हूँ, और कड़ी पत्ते। अब हम दाल में तड़का देंगे। अब डालेंगे बरिस्ता प्याज। बरिस्ता प्याज मतलब फ्राई किया हुआ प्याज होता है, इसमें डालूंगी, ये ऑप्शनल है। आपको दाल का स्वाद बढ़ाना है तो ये ज़रूर डालें। और धनिया पत्ता जो कॉमन होता है दाल में, धनिया पत्ता के बगैर दाल बन ही नहीं सकती। अब हमारा दाल तड़का बनके तैयार है। तो आप ये दाल तड़का ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। बस दाल तड़का बनाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जैसे कि लहसुन की प्रमाण कम नहीं करनी। लहसुन के वजह से दाल का बहुत स्वाद उभर के आता है। और मैंने जो बरिस्ता प्याज यूज़ किया है, फ्राइड ओनियन जो यूज़ किया है, वो दाल में 4 चांद लगा देता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल अनुष्का'स किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।